एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा था जो काफी दुष्ट था। सारी प्रजा उससे काफी डरती थी। राजा का एक हाथ और एक आंख नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफी डरावना लगता था। राजा ने सोचा, अब मुझे अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए। राजा ने सोचा, अपने बेटे को राजा बनाने से पहले मैं अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनवा लेता हूँ और इसे महल में लगवा दूंगा, ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे ना भूले। राजा ने अपने राज्य के सबसे बेहतर चित्रकारों को बुलवाया और कहा, जो मेरी सबसे बेहतर तस्वीर बनाएगा उसे मैं इतनी दौलत दूंगा कि उसकी 10 पुस्तें भी उस दौलत को नहीं खर्च कर पाएगी। साथ में राजा ने यह भी कहा, जो कोई मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बना पाएगा उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। मौत का नाम सुनते ही सारे चित्रकार डर गए और किसी ने भी हिम्मत नहीं कि राजा की तस्वीर बनाने की, क्योंकि बदसूरत राजा की सुंदर तस्वीर बना पाना मुश्किल था। बड़े बड़े चित्रकारों ने मना कर दिया, लेकिन एक चित्रकार ने सोचा, यही सही मौका है अपने आप को सफल बनाने का। उस चित्रकार ने तस्वीर बनाई, जिसे देखकर राजा बेहद खुश हुए और बाकी सभी चित्रकार देखते रह गए। चित्रकार ने राजा की तस्वीर दिमाग लगाकर कुछ इस तरह बनाई, जैसे राजा घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में खड़े हैं, जिसकी वजह से उनके एक तरफ का हिस्सा दूसरी ओर होने की वजह से छुपे हुए हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है, लोग खराब परिस्थिति में दिमाग लगाने की जगह पीछे हट जाते हैं और उन्हें कभी कुछ बेहतर नहीं मिल पाता। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी खराब परिस्थिति है तो समझ जाइए, इसमें एक बहुत बड़ा मौका भी छुपा हुआ है। यकीन मानिए, खराब परिस्थिति में जो व्यक्ति दिमाग लगा लेता है उसे जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि अगर आपको अपनी खराब परिस्थिति को संभालना आ गया तो आप बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सफल होने वाले हो। तो कभी भी हार मत मानिए। कहानी अच्छी लगी हो तो आगे जरूर शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो।